तो हेलो गाइज, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं विशाल। तो अरे बस रहने दे, मैं जानता हूँ कि तेरा नाम विशाल है, तेरा यूट्यूब चैनल का नाम है भिक्के विशाल एक्सपेरिमेंट। तो आज एक बहुत सा चीज तूने बना लिया, तो आज एक कार बना जो कि काफी अमेजिंग होने वाली है। तो चल जल्दी जा स्टूडियो के अंदर और बना के ला एक मजेदार कार। तो ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ और आपके लिए मैं एक बहुत सा बढ़िया सा एक कार बना के लाता हूँ जो कि काफी मस्त होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो सेलेक्ट करने से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट करना। चलते हैं अपने स्टूडियो के अंदर और बनाते हैं अपने मालिक के लिए कार। तो चलिए। तो चलिए गाइस वीडियो करते स्टार्ट। तो देख सकते हैं हमने पहले लेना होगा इस तरह के चार पीसेस टायर। देख सकते हैं काफ़ी मस्त टायर है और काफ़ी हेवी भी होते हैं टायर ये। उसके बाद हमको लेना होगा दो मोटर जो कि गियर मोटर है। देख सकते हैं इसमें काफ़ी मस्त तरीका से इसमें ये फंस जाता है चक्का, देख सकते हैं, और काफ़ी मस्त तरीका से ये चलता है, काफ़ी ऊंच खाल में भी चल सकता है। उसके बाद हमको लेना होगा एक बैटरी, देख सकते हैं मोबाइल की बैटरी हम इसमें लगाने वाले हैं। उसके बाद हमको लेना होगा कुछ कार्टून छोटा छोटा। तो चलिए फटाफट से देख सकते हैं यहाँ पे हमने कार्टून ले लिखा है, इसी से हम पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उसके बाद लेना होगा एक हमको तो हमको एक चार्जिंग मॉड्यूल किट लेना होगा और एक लेना होगा स्विच। चलिए फटाफट से इस चीज़ से हमसे बनाते हैं फटाफट से प्रोजेक्ट। तो चलिए फटाफट से इस कार्टून को हम काटते हैं। तो हमको कुछ इस तरह से इसमें लगा लेना होगा चक्का, और देख सकते हैं इसको हमको कुछ इस तरह से रखना होगा और यहाँ से हमको काटना होगा फटाफट से। देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हमको कुछ इस तरह से पूरा काटना होगा बढ़िया से। तो चलिए फटाफट से काट लेते, देख सकते काफ़ी मस्त तरीके से कट चुका है। उसके बाद हमको करना होगा, तो गाइस देख सकते हमने यहाँ पे दो पीसेस कट कर लिए, काफ़ी मस्त तरीका से कट कर लिए है। उसके बाद हमको करना होगा, तो गाइस उसके बाद हमको सुपर ग्लू लेना होगा और कुछ इस यहाँ पर हल्का सा मुझे गम लगा के और बढ़िया से यहाँ पर हमको चिपका देना होगा कुछ इस तरह से। देख सकते हैं आप भी देख लीजिए काफ़ी मस्त तरीका से ये चिपक जाता है। तो यहाँ पे भी हमको चिपकाना होगा, तो चलिए फटाफट से चिपका देते हैं। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे भी हमको कुछ यहाँ पे लगाना होगा गम, तो मस्त तरीका से यहाँ पे भी हमको चिपका देना होगा कुछ इस तरह से। तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीका से ये दोनों चिपक चुका है। उसके बाद हमको बैटरी लगाना होगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मस्त तरीका से बैटरी बैठ जा रहा है यहाँ पे। तो गाइस बैटरी को काफ़ी बढ़िया से चिपका दिया, अब वायरिंग करने का बारी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस में हमको करना होगा यहाँ पे और इसका यहाँ पे नीचे। तो चलिए फटाफट से क्रॉस में कर लेते हैं वायरिंग। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रॉस में कर दिया, यहाँ ऊपर का देखो नीचे कर दिया और नीचे का हमने ऊपर कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस में हमने कर दिया है। उसके बाद इस पर हमको कुछ इस तरह से इस पर ढक देना होगा। तो उससे पहले हमको इस चार्जिंग मॉड्यूल को लगाना होगा और एक जो हमने स्विच लिया था उसको लगाना होगा। चलिए फटाफट से लगा देते हैं। तो गाइस चलिए कनेक्शन को करते, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक स्विच में वायरिंग कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे स्विच है और इस पीला वाला वायर को कुछ इस तरह से हमको इसमें लगा के सोल्डिंग करना होगा। तो चलिए फटाफट से सोल्डिंग कर देते हैं इसमें। तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीका से इसमें सोल्डिंग हो चुका है। उसके बाद हमको कुछ इस तरह से इसमें सोल्डिंग कर देना होगा काफ़ी बढ़िया से। तो चलिए फटाफट से इसमें भी सोल्डिंग करते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी मस्त तरीका से हो गया। उसके बाद हमको इसमें सोल्डिंग करना होगा, तो चलिए फटाफट से कर देते हैं इसमें भी। तो देख सकते हैं सोल्डिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब लगाना होगा हमको एक चार्जिंग पिन, तो चलिए फटाफट से लगाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक जो डायरेक्ट बैटरी से निकाला है, एक डायरेक्ट स्विच में हम भले चार्जिंग मॉड्यूल में इसको हमको यहाँ पे लगाना होगा कुछ इस तरह से। तो चलिए फटाफट से इसमें हम लगा देते हैं, सबको कंप्लीट करके आपको दिखलाते हैं। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीका से ये हो चुका है और आप देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम चार्ज करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने चार्ज भी लगाया, तो देख सकते हैं यहाँ पे लाल बत्ती जो है मेरा ग्लो कर रहा है। चलिए आपको लाइट बंद कर दे रहे हैं हम, तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइट बंद करने के बाद काफ़ी मस्त तरीका से ग्लो कर रहा है। पूरा फुल चार्ज होने के बाद ये ब्लू कलर का वर्क करने लगेगा। तो देख सकते हैं काफ़ी तेज मतलब ये भाग रहा है। चलिए इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ, निकाल दे रहा हूँ चार्ज में से और तब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं नहीं चल रहा है क्योंकि मेरा जो बैटरी है वो काफ़ी कम चार्ज है। तो देख सकते ऐसे यहाँ पे काफ़ी मस्त तरीका से ये चल रहा है, आप देख सकते हैं।
तो गाइज काफी देर हमने इसको चार्ज किया फिर भी वो चार्ज नहीं हो पाया, इसलिए हमने क्या किया कि इसमें लिथियम आयन बैटरी को लगा दिया। देख सकते हैं आपको भीतर लौक रहा होगा ब्लू कलर के, यहाँ से देख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी हमने इसमें लगा दिया, यहाँ से देख सकते हो आप बिल्कुल बढ़िया से दिख रहा होगा। तो हमने इसमें लिथियम आयन बैटरी लगाया, उसके बाद काफी मस्त चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे हमने चलाया, देख सकते हो काफी मतलब फास्ट चल रहा है। और जैसे यहाँ पे पलटाएगा फिर से वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब जितना पलटाएगा वो रिवर्स होते जाएगा। तो चलिए इसे मैं बंद करता हूँ, और देख सकते हैं काफ़ी हार्ड स्पीड है इसका। तो चलिए मैं बाहर थोड़ा चला के इसको देखते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं। तो हेलो गाइस, हम आ गए स्टूडियो के अपने बाहर, और चलिए इसे हम थोड़ा सा कार चला के देखते हैं कि कैसा ये चलता है। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी मस्त तरीका से ये चल रहा है कार, और काफ़ी ऊंच खाल पे भी जा रहा है, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ये जा सकता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।